आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में भारतीय मजदूर संघ के 200वां त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन 7 और 9 अप्रैल को बिहार के पटना शहर में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के करीब 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन में सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो, ठेका प्रथा के अंधानुकरण पर रोक लगाए तथा ठेका श्रम निवारण एवं नियमितीकरण अधिनियम 1970 में न्यायोचित संशोधन करें, जिसका आर्थिक विकास के लिए श्रम नीति बने, न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो, 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उपरोक्त प्रस्ताव संगठित असंगठित एवं ठेका कर्मचारियों की निरंतर मांग पर आधारित है, जो कि वास्तविकता में कर्मचारियों का अधिकार भी है। इसलिए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर जिलाधिकारी को उचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर विगत माह विश्व त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने तय किया और प्रस्ताव पारित किया कि आज 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में प्रांतों, प्रदेश एवं संगठित एवं असंगठित भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अपराध इकाइयाँ विशाल प्रदर्शन के द्वारा और प्रदर्शन रैली के द्वारा, संगोष्ठी के द्वारा एवं नारों के साथ सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और ये भारत के आदर्श विधान और भारतीय संविधान के अनुकूल ये रेजुलेशन पास हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 4 मांगे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी है पेंशन, वह जो है जीविका मजदूरी के रूप में परिवर्तित हो, क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत ये निहित है पेंशन योजना। सबसे बड़ी विकराल समस्या है एनपीएस की, जो भारत सरकार ने मजदूरों के सिर पर लादी है। हम चाहते हैं वो स्क्रैप हो और भारतीय वेतन मजदूर के वेतन के 50% उसकी रिटायरमेंट की दर के साथ में महंगाई वृद्धि सम्मिलित हो, मजदूर प्रथा बंद हो, क्योंकि लगातार आर्थिक जो है मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। भारतीय मजदूर चाहता है कि जो ठेका प्रथा पर हमारे श्रमिक भाई हैं उन्हें एक न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाए, ताकि वे अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकें, उनका आर्थिक हनन ना हो। सामाजिक सुरक्षा, भारतीय संविधान में एक्ट में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, जो भारतवर्ष के लोगों में रहने वालों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति का वातावरण पैदा करेगी। ऐसी हमारी अनेक समस्याएं हैं, ये मुख्य थी। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री भारतीय मजदूर संघ के इस रेजुलेशन प्रस्ताव को, मांग पत्र को निश्चित ही पास करेगा। यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो एक भारतीय मजदूर संघ रणनीति तय करके भारत सरकार को घेरने का कार्य करेगी। मैं प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश अजय विश्वकर्मा। हमारा दिन है बेटा। जी भैया। जी मैडम। जी सर। बोले केंद्रीय बीएमएस के आह्वान पर पूरे भारत देश के जिला स्तर पर आज 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ ज्ञापन मांगे। क्या मांगे? 4 मांगे हम लोगों की प्रमुख रूप से। पहला तो यह है कि सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो, दूसरा ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए, तीसरी आर्थिक विकास के लिए श्रम नीति बने, और चौथी है कि न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय। कृष्णकांत शर्मा, जिला बंतु। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।